अब तक हमने जितना भी कोड किया है वो सारा का सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड वन बाय वन प्रोसीजर चलता है। फॉर एग्जांपल हम जो भी लाइन लिखते हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती जाती है। हम राइट लाइन लिखते हैं तो कंसोल पे प्रिंट होता है, हम रीड लाइन लिखते हैं तो कंसोल से रीड करता है, या कुछ वेरिएबल्स असाइन करने हो तो वो सारे असाइन होते हैं। बट इस तरीके की प्रोग्रामिंग रियल लाइफ में ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम इसमें कुछ कंडीशंस चेक नहीं कर सकते या कुछ कोड ऐसा नहीं लिख सकते जो कुछ ही कंडीशंस में एग्जीक्यूट हो। हम जो भी कोड लिखते हैं वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है और सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। तो इस सिचुएशन ऐसी सिचुएशंस के लिए जब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोड हो जो पर्टिकुलर कंडीशंस में ही एग्जीक्यूट हो, हमेशा एग्जीक्यूट ना हो, उसके लिए प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड करता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें कि सबसे पहले होती है इफ एल्स। इफ कंडीशन बेसिकली हमें प्रोवाइड करती है कि आप एक कंडीशन डिफाइन करो और उस कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इफ, जो हमेशा स्मॉल में होगा, और ब्रैकेट के अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे, जैसे कि हमने इस केस में डाल रखी है 20 ग्रेटर देन 18। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी 20 ग्रेटर देन 18, तो कंसोल डॉट राइट लाइन कंडीशन इज ट्रू ये प्रिंट करेगा। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो क्योंकि 20 ग्रेटर देन 18 था तो कंडीशन इज ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो गया है। बट अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 20 की जगह 15 ग्रेटर देन 18 कर देता हूँ, तो अब ये ट्रू नहीं है। तो इस केस में ये कभी प्रिंट नहीं हुआ और डायरेक्ट हम फाइनल लाइन पे आ गए, एग्जीक्यूशन फिनिश्ड। तो ये होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें कि हम कोई कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर ब्लॉक बना के हम लिखते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना है जब वो कंडीशन ट्रू हो। इसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस डाल सकते हैं, सारी की सारी लाइन इस दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में होंगी जो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हम डायरेक्ट इसको ना चेक करके कुछ वेरिएबल्स के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि सेम चीज़ हम करते हैं इंट एक्स इक्वल टू 20 एंड इंट वाई इक्वल टू 18। तो हम डायरेक्ट ना चेक करके x ग्रेटर देन y भी चेक कर सकते हैं। इस केस में जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि x जो कि 20 है वो y जो कि 18 है उससे बड़ा है। ये होती है सिंपली इफ स्टेटमेंट। अब जैसे कि हमने देखा कि जब ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, बट जब ये फॉल्स है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ जा रहा है। तो अगर कभी किसी केस में हमें कुछ ऐसा कराना हो कि ये जब एल्स हो, जब ये केस ट्रू ना हो तब भी कुछ और प्रिंट हो, तो उसके लिए होता है एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम ये राइट कर देंगे। तो जैसा कि आप सिंपली समझ सकते हैं कि इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक चलेगा। तो इस केस में अगर हम 20 की वैल्यू 18 से कम कर दें, 15 कर दें, तो अब ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और ये एल्स ब्लॉक चला, कंडीशन इज फॉल्स हमारा प्रिंट हो गया है। इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट आती है वो होती है एल्स इफ। अब ये हो गया कि हमने कंडीशन चेक करी, ट्रू है ये एग्जीक्यूट कर दो, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट कर दो। तब क्या होगा कि हम एक के बाद एक मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम x 15 रखते हैं और यहाँ पे चेक करना चाहते हैं इफ x ग्रेटर देन 20, तो गुड मॉर्निंग, एल्स गुड इवनिंग। तो ये तो हमारा करेक्टली वर्क करेगा कि अगर x ग्रेटर देन 20 होता तो ये प्रिंट होता, बट अगर नहीं है तो ये होगा। अगर हम एक और कंडीशन इसमें डालना चाहते हैं तो उसके लिए होता है एल्स इफ। यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशन अपनी डिफाइन कर सकते हैं, इफ x ग्रेटर देन 12 इस केस में क्या होगा, ये सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा x ग्रेटर देन 20।
अगर x ग्रेटर देन 20 है तो वो ये प्रिंट करेगा और बाकी ये दोनों ब्लॉक्स को स्किप कर देगा। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सबसे पहले वो जाएगा एल्स इफ पे, इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं है तो फाइनली एल्स में जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस केस में हम इसको जब रन करेंगे तो ये हमारा प्रिंट करेगा गुड आफ्टरनून, क्योंकि 15 20 से ग्रेटर नहीं था बट 12 से ग्रेटर था, तो हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो ये होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट सी शार्प में, जिनके थ्रू हम पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड्स कुछ कंडीशन के ट्रू होने पे ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं।